चेहरे पे स्माइल, दिल में खुशी, आंखों में नमी आया। एक बार फिर मुझे मेरा बचपन याद आया। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भूली बिसरी यादों की एक नई एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आ चुके हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको सुकून के कुछ पल देने, आपको आपका बचपन याद दिलाने। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपका बचपन याद दिलाएगी, जो आपके बचपन से जुड़ा है, जिसको देखने के बाद ना चाहते हुए भी आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। और हाँ, हम इस वीडियो में उनका नाम भी शेयर करेंगे जिन्होंने पिछली वीडियो में इसका नाम सही कमेंट किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, हो सकता है कि उन नाम में आपका भी नाम हो। तो चलो दोस्तों, लाइक बटन दबाकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सभी 90s के किड्स का सबसे पसंदीदा सुपर हीरो शक्तिमान है, जिसकी फोटो और स्टिकर हम अपने किताबों और घरों में चिपकाया करते थे। पर क्या कभी आपने अपने दोस्त को शक्तिमान वाला ग्रीटिंग कार्ड दिया है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करें। किस किस ने बिस्किट को ऐसे पानी में डुबा के खाया है मेरी तरह? मुझे उम्मीद है जितने भी 90s के किड्स होंगे उन्होंने जरूर बिस्कुट को ऐसे पानी में डुबा कर खाया होगा, जिनमें आप भी एक हो। क्यों, सही कहा ना? याद है ये चूरन? आप सभी ने लाल चूरन और काला चूरन खाया होगा। पर किस किस ने ऐसा चूरन खाया है जिसमें लाल और काला चूरन एक साथ आता था, जिसमें आधा लाल और आधा काला चूरन होता था? क्यों, कुछ याद है या भूल गए? याद है जब हम नदी में नहाने जाते थे तब रेत से ऐसे मंदिर और घर बनाया करते थे? आपने भी ऐसे ही रेत के मंदिर या घर बनाया होगा जिसको बनाने में बहुत मजा आता था। क्यों, सही कहा ना? याद है आपको ये क्या है? हमारे यहाँ इसको सांप की मौसी बोलते हैं, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? बचपन में ऐसा माना जाता था अगर आप इसके पूंछ को छू लो तो पैसे मिलते हैं। क्या आपने भी इसके पूंछ को छुआ है? कमेंट जरूर करें। किस किस के पास ऐसा कांच के ट्यूब वाला खिलौना था जिसमें रंग बिरंगे गिल्टर पानी भरा रहता था और उसके अंदर एक बॉल होता था जिसको ऊपर नीचे करने पर यह रंग बिरंगे पानी ऊपर नीचे होता था, जिसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता था? याद है आपको जब आपकी क्लास में आपकी क्लास टीचर नहीं हुआ करती थी तब आप ऐसे हाथों में घड़ी बनाया करते थे और अपने दोस्त को दिखाया करते थे? सच, वो भी क्या दिन थे। किस किस को याद है ये कागज का झूमर? जब हम अपने घर में ऐसे कागज के झूमर और फूल लगाकर सजाया करते थे, जब मैंने इसको देखा तो सच्ची मुझे मेरा बचपन याद आ गया। क्या आपको भी? कमेंट जरूर करें। कौन कौन स्कूल से भागकर बैर तोड़ने गया है? मुझे पता है आप सब भी मेरी तरह स्कूल से भागकर या स्कूल से घर जाते टाइम अपने दोस्तों के साथ बैर तोड़ने जरूर गए होंगे। क्यों, सही कहा ना? किस किस ने ये हरकत की है जब मम्मी सब्जी काटा करती थी तब भिंडी के बचे हिस्से को आप अपने हाथों और पैरों में लगाकर खेला करते थे? कई बार तो आप इसे अपने चेहरे में भी लगा लिया करते थे। क्यों, सही कहा ना? किस किस ने अपनी क्लास में ऐसे सिनेमा हॉल बनाकर अपने दोस्तों को फिल्म दिखाया है? मुझे पता है आपने भी ऐसे टीवी बनाकर अपने दोस्तों को फिल्म जरूर दिखाया होगा। अगर हाँ तो कमेंट जरूर करें। इस कागज के फूल को देखकर आपको आपका बचपन याद आ गया होगा जब आप अपनी क्लास में इकलौते ऐसे होते थे जिसे ऐसे कागज का फूल बनाना आता था और आपके दोस्त बोला करते थे कि मुझे भी ये बनाना सिखा दे। क्यों, सही कहा ना? इन सभी सिक्कों में आपको वो पैसा कमेंट करना है जिससे आपने आखिरी बार चॉकलेट खरीद के खाया था, क्योंकि शायद हम आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने ऐसे पैसे देखे होंगे। मैंने तो गेंडे वाले 25 पैसे की टॉफी खरीद के खाई है। क्या आपने भी? कमेंट जरूर करें। इस इमली के पैकेट को देखकर बहुत सारे दोस्तों के मुंह में पानी आ गया होगा जिससे हम क्लास में छुप छुप कर खाया करते थे। खासकर लड़के इसे बहुत पसंद करती थी। क्यों, बचपन याद आ गया ना? याद है बचपन का चोट? जब हमारी उंगली दरवाजे के पीछे दब जाती थी या किसी चीज से चोट लगती थी तब कुछ ऐसा निशान पड़ जाता था। आपका भी कभी ना कभी ऐसा निशान जरूर पड़ा होगा। अगर हाँ तो कमेंट जरूर करें। याद है आपको ये क्या है? ये एक गुब्बारा है जिसके फूट जाने के बाद हम कुछ ऐसे फुलाकर खेला करते थे। अगर आपने भी गुब्बारे को ऐसे फुलाकर खेला है तो यकीनन आपने बहुत अच्छी लाइफ जी है। बचपन का एक चैलेंज, इस चित्र को बिना पेन उठाई और बिना डबल पेन चलाई बनाने का चैलेंज हम सब ने किया होगा। पर कितने दोस्त इसको बना पाए हैं कमेंट जरूर करें। जितने भी दोस्त गांव से बिलोंग करते हैं मेरी तरह, उन सभी ने ऐसा फल जरूर खाया होगा जो हमारे गांव के खेतों में होता है, जिसको खाने में बहुत मजा आता है। पर क्या कोई है जो इसका नाम बता सकता है? तो कमेंट करो यार इसका नाम। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं उनका नाम जिन्होंने पिछली वीडियो में इसका नाम सही कमेंट किया था। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये ऑडियो प्लेयर का हेड है जिससे गाने बजते हैं। तो दोस्तों, नंबर एक पे है शुभेंदु आर्या, नंबर दो पे है अनोज कुमार, तीन नंबर पे है नीरज यादव, चार नंबर पे हैं रणधीर कौर, नंबर पाँच पे हैं सरताज अहमद, नंबर छः पे हैं अनिल वर्मा,
नंबर 7 पे है मिस्टर कबीर, 8 नंबर पे है मिस्टर वीर, 9 नंबर पे है डीजे राहुल आरके, 10 नंबर पे है इंस्टेंट हेल्पर, 11 नंबर पे है ध्रुव वर्मा, नंबर 12 पे है नाथ मूवी स्टेशन, 13 नंबर पे है आरजी गेमर, 14 नंबर पे है सूरज बौरी, और जिनका नाम आखिर में है वो है एआर इमालिया टूल्स। तो दोस्तों अब इसका नाम क्या है जो झोपड़ी टाइप का बना होता है जिसके ऊपर बैठ के हम खेतों में पहरा देते हैं, इसको हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी लिखें कि आप कहाँ से हो। तो बस दोस्तों भूली बिसरी यादों की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी उनका बचपन याद आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।